मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में मैं यह बताने जा रहा हूं कि धारा 498 ए आईपीसी के केसेस कई महिलाओं द्वारा अपने पति और उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध बना दिए जाते थे, अब उसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 आ जाने के बाद कमी आएगी। इसका कारण यह है कि दहेज के संबंध में पति के, उसके परिवार के पक्ष के लोगों के और उनके रिश्तेदारों के विरुद्ध महिलाएं ये मामले 498 ए आईपीसी में लगा देती थी। आईपीसी 1860 का कानून था, लेकिन इसमें बाद में अमेंडमेंट लाकर और 1983 में ये जो है प्रोविजन रखा गया 498 ए का दहेज से संबंधित, तो ये नॉन बेलेबल था, नॉन कंपाउंडेबल था और ऐसी स्थिति में कंपाउंड हो भी जाता था तो वो या 482 सीआरपीसी के अंतर्गत पति पक्ष और उसके रिश्तेदारों को इसको क्वैश कराने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में अब जब बीएनएस की धारा 85 आ गई है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे केसेस में दहेज कानूनों का जो दुरुपयोग है वो रुकेगा, झूठा केस अब महिलाएं नहीं लगा पाएंगी। इसका कारण ये है कि ऐसे मामले के साथ में महिलाएं कई बार धारा 377 आईपीसी अननेचुरल लस्ट का भी ऑफेंस लगा देती थी। इस धारा 377 की जगह नए बीएनएस 2023 में इस धारा को खत्म कर दिया गया है। यद्यपि धारा 498 ए की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर धारा 85 लाई गई है और इंग्रेडिएंट ऑफेंस के वही हैं, लेकिन मेरे मत में ऐसी स्थिति में आप पत्नियां जो दहेज कानून का दुरुपयोग करती थी और पति और उसके पक्ष के रिश्तेदारों तक को इन मामलों में लपेट देती थी, झूठा लगा देती थी, कानून का दुरुपयोग होता था, ऐसी स्त्री महिलाओं के लिए अब स्थिति थोड़ी सी भिन्न होगी और बदले की भावना से जो 498 ए के साथ 377 आईपीसी का ऑफेंस लगा दिया जाता था, उस 377 आईपीसी के ऑफेंस को, अननेचुरल लस्ट या अप्राकृतिक संभोग को, अब नए बीएनएस 2023 में खत्म कर दिया गया है। 1 जुलाई 2024 से जो भी अब अपराध पंजीबद्ध होंगे उनमें 377 आईपीसी का स्थान कोई नई धारा ने नहीं लिया है। तो ऐसी स्थिति में धारा 377 अब नहीं लग पाएगी क्योंकि वो बीएनएस 2023 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब पत्नी नहीं कर पाएगी धारा 377 आईपीसी जैसे अपराध के विरुद्ध रिपोर्ट। तो ऐसी स्थिति में मेरे मत में धारा 498 ए आईपीसी का जो दुरुपयोग होता था, साथ में 377 धारा लगा दी जाती थी, तो अब पत्नी दहेज के रूप में दहेज कानून का दुरुपयोग अब नहीं कर पाएगी। ये बहुत बड़ी राहत पति पक्ष को मिली है। शोषण क्रूरता के विरुद्ध जबरदस्ती के कई पत्नियां, शादीशुदा स्त्रियां अपने परिवार और उसके परिवार के सदस्यों पर ये झूठे आरोप लगा देती थी। तो यद्यपि धारा 498 आईपीसी की जगह धारा 85 रखा गया और अपराध के तत्व भी वैसे ही है, लेकिन धारा 377 हटा देने से ये लाभ पति पक्ष और उसके रिश्तेदारों को मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि मैं इस वीडियो में धारा 498 ए आईपीसी का जो दुरुपयोग होता था, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये तक कहा गया था कि इससे कई बार कानूनी आतंकवाद तक का शब्द यूज किया गया था, तक का नाम दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बदले की भावना से कई महिलाएं अपने पति और उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध ये मामले लगा देती थी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? 377 हटा देने से अब बीएनएस 2023 में 377 को खत्म कर दिया गया है, अब दुरुपयोग नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। जुड़े रहिए इस तरह की जानकारी के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपकी कानूनी जानकारी को अपडेट करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं समझता हूं मैं सरल भाषा में आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी देने में सफल हुआ और इस चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए। एक और अनुरोध मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार।